दोस्तों संडे आ चुका है तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की न्यूज लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए। इसके अंदर से एक नया लॉन्च भी है और काफी सारे पार्टनरशिप की न्यूज भी है, तो उन सभी के बारे में जानते हैं। जानने से पहले शाबू उस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पहली खबर निकल के आती है लॉर्ड ऑटोमोटिव की तरफ से। एक कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आफ्टर सेल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए गैरेज वर्क के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद जितने भी लॉर्ड कंपनी के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर होंगे उनकी सर्विस डोर स्टेप से दी जाएगी गैरेज वर्क के जरिए। इस तरह की सर्विस अभी तक कुछ ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है कोई भी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कंपनी ये सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन कुछ कंपनी अपने सेल सर्विस को बेहतर बनाने के लिए रोड साइड असिस्टेंट दे रहे हैं। इससे भी ज्यादा फायदा कस्टमर को डोर स्टेप सर्विस के अंदर मिलने वाला है। जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंपनी के साथ कंप्लेंट करते हैं तो कंपनी से मैकेनिक आपके घर पे आके आपकी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को ठीक करके देगा। आप में से काफी सारे लोग कमेंट में बताते हैं कि आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, सर्विस सही से प्रोवाइड नहीं होती है। तो इस तरह की सर्विस अगर कंपनी प्रोवाइड करेगी तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा लॉर्ड कंपनी की तरफ से काफी कम इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा है, काफी ज्यादा ई रिक्शा ही है, फिर भी लॉर्ड कंपनी ने ये स्टेप लिया है अपने कस्टमर्स को सैटिस्फेक्शन करने के लिए। इस तरह की सर्विस जो है हर एक कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। अगली खबर निकल के आती है एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की लॉन्च को लेकर। गोदावरी इलेक्ट्रिक मोटर्स ने अपना पहला L5 इलेक्ट्रिक कार्गो ऑटो रिक्शा ई ब्लू राइनो को लॉन्च कर चुका है 3,35,000 एक शोरूम प्राइस पे। अगर हम इसके स्पेक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 10.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी जा रही है और 49 nm का टोर्क इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में मिल रहा है और सिंगल चार्ज पे 110 किलोमीटर का रेंज भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है इसका पेलोड कैपेसिटी 500 kg का होने वाला है। बाकी इसके सभी डिटेल के साथ एक फुल वीडियो बनाऊंगा, उसका वीडियो आपको कल या परसों या 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रख लेना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों मंत्रा इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो रिक्शा के अंदर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोनेंट एनर्जी के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हम 15 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपोनेंट एनर्जी ने मंत्रा इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 8.8 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी दी जा रही है, जिसको हम 100% सिर्फ 15 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट एनर्जी के ई पंप के जरिए ही चार्ज करना होगा, जिसके लिए एक्सपोनेंट एनर्जी भी काफी तेजी से अपने चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ा रहा है ओवरऑल इंडिया के अंदर। लेकिन हमें यह देखना है कि मंत्रा कब तक ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लॉन्च करेगा जिसके अंदर 15 मिनट में फुल चार्ज होगी और कौन से प्राइस रेंज पे लॉन्च करेगा। जैसे ही लॉन्च करता है तो आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा, जिसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। वैसे एक्सपोनेंट एनर्जी ने अल्टीग्रीन के साथ मिलकर एक ऑटो रिक्शा पहले से ही मार्केट में ला चुका है, तो वो वाली वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आई कार्ड में दे दूंगा, जाके देख लें। दोस्तों किनेटिक ग्रीन ने नॉर्थ इंडिया के अंदर अपने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के ऊपर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए SBI के साथ मिलकर पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद SBI हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में मिलने वाले किनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के ऑन रोड प्राइस के ऊपर 90% तक फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है। वैसे आप अगर इन स्टेट से हो तो आप किनेटिक ग्रीन के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को SBI के जरिए फाइनेंस पे खरीद सकते हो। वैसे 10% जो है वो डाउन पेमेंट पे करना ही होता है, तो ये बात ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू।